एक्सप्रेस न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को जाने वाले नदियों का पानी रोका जाएगा। पुलवामा हमले के बाद से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाली 3 नदियों के पानी रोकने का जाहिर किया है। आखिर एक महीने बाद भारत ने पाकिस्तान में बहने वाले 3 नदियों को रोके जाने का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल इन्होंने रविवार को बताया। राजस्थान के बीकानेर यहाँ बोलते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। जैश ए मोहम्मद पुलवामा के अवंतीपुरा में किए हमले में भारत के करीब 40 जवान शहीद हुए, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री मेघवाल इन्होंने प्रसार माध्यम से बोलते हुए कहा कि पूर्व से पाकिस्तान में बहने वाली 3 नदियों से 0.53 मिलियन एकड़ क्षेत्र के पानी को रोका गया है। ये पानी रोक कर जमा कर रखा गया है। जिस वक्त राजस्थान या फिर पंजाब को इस पानी की जरूरत पड़ेगी, तब वो इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और खेती के लिए कर सकेंगे। साथ ही 1960 में किए गए सिंधु जल करार का ये उल्लंघन नहीं है, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। इस करार के अनुसार पूर्व से बहने वाली सतजल, रावी और व्यास नदी के सर्वाधिक पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को है और इसी करार के आधार पर ये पानी रोका गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।